हे गाइस, वेलकम माय चैनल एंड वेलकम टू द वीडियो गाइस। सो आप लोगों को शायद पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जहां पे मैंने न्यूज़ बेस्ड ट्रेंड के ऊपर बात किया था। सो आज का ये जो वीडियो है थोड़ा सा उसी टॉपिक पे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जहां पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट के अंदर, बेसिकली फॉरेक्स मार्केट के अंदर कब न्यूज आने वाला है, उसका वो जो न्यूज आने वाला है उसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर कैसा होगा, वॉलिटिलिटी कितना होगा, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट बना हुआ है वो कैसा होगा, इन सभी चीज को देखते हुए आप लोग कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हो, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम्स लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक्सनेस को ओपन कर लेना है। अगर एक्सनेस को आप डाउनलोड करना चाहते हो सो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली एक्सनेस को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, सो इंस्टॉल करने के बाद आप लोग थोड़ा सा KYC वगैरह यहाँ पे प्रोसेस करना होता है, आप लोग वो कर लेना, एंड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। सो बेसिकली एक्सनेस एक फॉरेक्स ब्रोकर है, यहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, येस मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, और सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर आपके पास पैसा नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए तो आप वो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। एक्सनेस आपको ये ऑप्शन ट्रेडिंग का फीचर्स फ्री में आपको अवेलेबल कर देता है। ओके, एंड उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, न्यूज़ के लिए आपको यहाँ पे जो नीचे जो 3 नंबर पे आपको जो एक मार्केट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, मार्केट्स में क्लिक करना है एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन दिख रहा होगा अपकमिंग इवेंट्स, यहाँ पे आपको सो मोड पे क्लिक कर लेना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ऊपर जो 3 लाइन है उसमें क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद ये जो मिनिमम वॉलेटिलिटी है इसको समझ लो। मिनिमम वॉलेटिलिटी मतलब यहाँ पे आपको 3 जो रेड लाइन है इसको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो 3 रेड लाइन होगा इसका मतलब यहाँ पे जो भी न्यूज़ आएगा एंड उसमें जिसमें भी ये 3 लाइन होगा रेड का, मतलब उसका उस न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। ओके, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो कंट्रीज और रिलीजन्स का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर में, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद आपको किस किस कंट्री का न्यूज़ चाहिए वो क्लिक कर देना है। सो मेरे को ऑस्ट्रेलिया का चाहिए, कनाडा का चाहिए, चाइना का चाहिए, कोलंबिया का चाहिए, बेसिकली मेरे को जितना भी कंट्री का चाहिए न्यूज़ वो मैंने क्लिक करके रखा है। सो आप चाहो तो मेरा कॉपी भी कर सकते हो। ओके, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सा सिलेक्ट किया। ओके, सो आपको मैंने इतना ही सिलेक्ट किया, एंड बेसिकली आपको इतना ही सिलेक्ट कर देना है, एंड उसके बाद आपको वापस बैक आ जाना है, एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी न्यूज़ आप लोग को दिख रहा होगा एंड उसमें आप लोग को 3 रेड लाइन दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है कि ये जो न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा होगा। सो आप लोग देख सकते हो कि 2 दिन बाद जो JPY है, यानी कि जापानीज़ येन है, उसमें एक न्यूज़ आने वाला है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर एक न्यूज़ आने वाला है, CNY के न्यूज़ आने वाला है, पाउंड डॉलर के अंदर 2 न्यूज़ आने वाला है, और आपको किस टाइम पे न्यूज़ आने वाला है उसका भी आप लोग को टाइम दिख रहा होगा, 12:30, 3:30। सो आप लोग को इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेना है। और हाँ, इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे ऊपर आएगा, आपको ये जो न्यूज़ है इसको देखकर आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, मैं आप लोग को लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हो। सो गाइज, आई होप कि आप लोग को ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ पास में जो बेल वाला घंटी है उसको भी बजा देना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।